अगर आप रोहित शर्मा को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में 6 विकेट से मात देकर 3 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। जब ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज करीब 7.5 रन के रन रेट से रन बटोर रहे थे, तब 7वें ओवर पूरे होने के बाद कप्तान कोहली ने कुणाल पांड्या को गेंदबाजी का मौका दिया। सामने एरन फिंच थे और कुणाल पांड्या की पहली ही गेंद पर सही से पढ़ नहीं पाए और उन्होंने हवा में एक खराब शॉट खेल दिया। वहीं नीचे गेंद लपकने के लिए रोहित शर्मा खड़े थे और सभी को उम्मीद थी कि वो आसानी से कैच ले लेंगे, लेकिन उन्होंने न केवल कुणाल पांड्या बल्कि क्रिकेट फैंस को भी निराश कर दिया और उन्होंने फिंच का आसान सा कैच लपक दिया। टीम इंडिया के लिए यह नुकसानदायक नहीं रहा क्योंकि अगली ओवर में ही फिंच अपना विकेट कुलदीप यादव को गवा बैठे। अगर कुलदीप यादव ने फिंच का विकेट नहीं लिया आस्ता तो ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर में 70 रन के करीब पहुंच गया था और वह फिंच और डासी शॉट दोनों की पार्टनरशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता था। PM News 24 की रिपोर्ट।